दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने YouTube वीडियोस के लिए एक बेसिक एडिटिंग कर सकते हो अपने मोबाइल फोन से। दोस्तों अगर आपको बेसिक एडिटिंग भी नहीं आता है तो आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख जाओगे कैसे एक वीडियोस में बेसिक एडिटिंग करते हैं। तो आपको वीडियो में सारे स्टेप्स ध्यान से देखना है, बिना किसी स्टेप को स्किप किए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे वीडियो में एडिटिंग करने के लिए आपको अपने मोबाइल में वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और बेस्ट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन जो है वो काइनमास्टर है, जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूँ। तो आपको अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर काइनमास्टर को डाउनलोड कर लेना है। काइनमास्टर सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल पे टैप करना है। काइनमास्टर डाउनलोड होने के बाद आपको ओपन पे टैप करना है, ओके पे टैप करना है, अलाउ पे टैप करना है। स्टार्ट पे टैप करना है। वैसे तो यहाँ पे काइनमास्टर में अपने वीडियो को एडिट कर सकते हो, मगर यहाँ पे अगर आप फ्री वाला यूज करते हो तो यहाँ पे आपको वाटरमार्क देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पे आप काइनमास्टर में प्रीमियम परचेज करते हो तो यहाँ पे आपको वाटरमार्क नहीं मिलेगा या फिर आपको ऐड भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वीडियो को एडिट करने के लिए आपको क्रिएट न्यू पे टैप करना है, फिर यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एस्पेक्ट रेशियो को चूज करना है। जैसे कि अगर आप YouTube के लिए वीडियोस बनाते हो तो YouTube के लिए 16:9 का रेशियो बेस्ट होता है, तो सिंपली आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप YouTube के लिए वीडियोस बनाते हो तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। अब यहाँ से अपने वीडियो को इंपोर्ट करना है अपने फ़ोन के गैलरी से। अब आपका जो वीडियो होगा वो टाइमलाइन में ऐड हो जाएगा। तो सिंपली अब यहाँ से आप बेसिक एडिटिंग कर सकते हो अपने वीडियोस में। अब जैसे आपके वीडियोस में अननेसेसरी पार्ट रिकॉर्ड है तो सिंपली उसे आपको रिमूव करने के लिए कट मार्क लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे 9 सेकेंड से लेकर 15 सेकेंड तक के पार्ट को रिमूव करना है, तो आपको यहाँ पर टाइमलाइन पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कट मार्क लगाने के लिए ट्रिम वाले ऑप्शन पर टैप करना है, स्प्लिट एट प्लेहेड पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 15 सेकेंड में भी एक कट मार्क लगाना है, स्प्लिट एट प्लेहेड पे टैप करना है। फिर यहाँ पे आपको कट किए हुए पार्ट को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको इस ऑप्शन पे टैप करना है। तो इस तरह से आप वीडियो में बीच के हिस्से को रिमूव कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो में स्टार्टिंग या फिर एंडिंग पार्ट को रिमूव करना है तो सिंपली जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग पार्ट को रिमूव करने के लिए यहाँ पे आपको कट मार्क लगाना है। तो यहाँ पे जैसे लेफ्ट पार्ट को ट्रिम करना है तो जैसे यहाँ पे ट्रिम टू लेफ्ट टू प्ले हेड का ऑप्शन है तो यहाँ पे आपको टैप करना है। उसके बाद जो वीडियो में लेफ्ट वाला हिस्सा होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो इसी तरह आप वीडियो में राइट वाले हिस्से को भी रिमूव कर सकते हो ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड पे टैप करके। तो कुछ इस तरह से वीडियोज़ में आप अननेसेसरी पार्ट को रिमूव कर सकते हो अगर आपके वीडियोज़ में अननेसेसरी पार्ट रिकॉर्ड हुआ है। अब जैसे अगर आपने वीडियो में कहीं कट लगाया है तो सिंपली यहाँ पे आप ट्रांजिशन भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि कुछ इफेक्ट आप ऐड कर सकते हो। तो ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको प्लस वाले ऑप्शन पे टैप करना है, और यहाँ से आपको कुछ ट्रांजिशन मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप ट्रांजिशन भी ऐड कर सकते हो उस कट वाले जगह पे। फॉर एग्जांपल मैं कोई एक ट्रांजिशन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई भी इफेक्ट शो रहा है तो आपको यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। तो यहाँ से आपके वीडियोज़ में ट्रांजिशन ऐड हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अब अगर आपको वीडियो में कहीं टेक्स्ट ऐड करना है तो सिंपली यहाँ पे आपको लेयर वाले ऑप्शन पर टैप करना है, और यहाँ से आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो यहाँ से आप वो कर सकते हो। आप अपने टेक्स्ट का साइज भी इंक्रीज कर सकते हो, और ये टेक्स्ट आप कितने टाइम तक शो कराना चाहते हो यहाँ से आप वो टाइम भी एडजस्ट कर सकते हो। आप यहाँ से टेक्स्ट को एनिमेशन भी दे सकते हो, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इन एनिमेशन में कोई एक एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपका जो टेक्स्ट होगा वो एनिमेट होगा। अब अगर आप वीडियो में कोई इमेज ऐड करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे फिर से आपको लेयर वाले ऑप्शन पे टैप करना है, और यहाँ से आपको मीडिया वाले ऑप्शन पे टैप करना है, और यहाँ से आप अपने फ़ोन के गैलरी से इमेज ऐड कर सकते हो अपने वीडियोज़ में। अब अगर आप अपने वीडियोज़ में कोई ऑडियो क्लिप ऐड करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे सॉन्ग्स हो सकता है या फिर आपके पास कोई रिकॉर्डेड वॉइस है, तो यहाँ से आपको ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको ऑडियो वाले ऑप्शन पे टैप करना है, और यहाँ से आपके फ़ोन के गैलरी में कहीं भी रिकॉर्डेड साउंड है तो यहाँ से आप वो ऐड कर सकते हो रिकॉर्डेड पे टैप करके। या फिर आपको काइनमास्टर की तरफ से भी कुछ म्यूजिक मिल जाएंगे, या फिर जैसे कि साउंड इफेक्ट हो सकता है, कोई भी इफेक्ट हो सकता है साउंड का, या फिर म्यूजिक भी हो सकता है।
तो इस तरह से आप अपने वीडियोस में कोई भी ऑडियो क्लिप ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको काइन मास्टर की तरफ से कुछ स्टिकर मिल जाते हैं अपने वीडियोस में ऐड करने के लिए, तो सिंपली यहाँ पे आपको लेयर वाले ऑप्शन पर टैप करना है, यहाँ पे आपको स्टिकर वाले ऑप्शन पर टैप करना है और यहाँ पे आपको स्टिकर शो हो जाएंगे काइन मास्टर की तरफ से। तो यहाँ से आप कोई एक स्टिकर ऐड कर सकते हो अपने वीडियोस में। स्टिकर के साइज को आप एडजस्ट भी कर सकते हो। और स्टिकर को आप अपने वीडियोस में कितनी टाइम तक शो कराना चाहते हो यहाँ से आप वो एडजस्ट कर सकते हो टाइम। और अपने स्टिकर में आप एनिमेशन भी ऐड कर सकते हो। अब अगर आपको लगता है वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो गया है तो सिंपली अपने वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए टॉप राइट कॉर्नर में आपको इस ऑप्शन पर टैप करना है। यहाँ पे आपको रिजोल्यूशन मिल जाते हैं, यहाँ से आप जिस भी क्वालिटी में वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहते हो यहाँ से आप वो कर सकते हो। तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है मैं इसी को रखता हूँ। सिंपली यहाँ पे मैं बिट रेट को इंक्रीज कर देता हूँ थोड़ा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव वाले ऑप्शन पर टैप करना है, स्किप वाले ऑप्शन पर टैप करना है। अब दोस्तों आपका जो वीडियो होगा एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। आई एम श्योर दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि YouTube वीडियोस के लिए बेसिक एडिटिंग कैसे करते हैं। तो कुछ इस तरह से आप अपने वीडियोस में बेसिक एडिटिंग कर सकते हो। और अगर दोस्तों आपको वीडियो एडिटिंग करने में कोई दिक्कतें आ रही है, फिर आपको वीडियो में कोई स्टेप समझ में नहीं आया, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।